हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एसएससी का अभी अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग है टीयर टू एग्ज़ाम, जो कि 9 मार्च को कंडक्ट होना है, 9/3/2018 है। तो मैं इसको बता देता हूँ क्या है। द कमीशन इज कंडक्टिंग ए री एग्जामिनेशन फॉर पेपर फर्स्ट क्वान्टिटेटिव एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हु हैड अपियर इन द सीजियल Tier 2 examination 2017 across the country and paper first quantity ability and paper 2 English of the candidate who had appeared at Cyber City Patna on 21 February 2018. The re-examination is scheduled to be held on 9/3/2018. मतलब जो 21/2/2018 को एग्जाम जो हुआ था साइबर सिटी पटना में, और वो कैंसिल हो गया था, है ना, तो उसी के लिए रिगार्डिंग 9 मार्च को एग्जाम होना है। अब आगे इसमें क्या है, इन द मीन टाइम द कमीशन हैज रिसीव्ड ए नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन 2017 हु हैड अपियर्ड फॉर देयर पेपर फर्स्ट ऑन 17 February 2018 एट एनीमेट इन्फोटेक मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट न्यू दिल्ली स्टार्ट स्टेटिंग दैट दे वर नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड disrupted the paper second of the aforesaid examination at the venue. They have requested the commission to take a sympathetic view and consider their request for allowing them to reappear in paper 2. आगे इसमें और दिया है कि representations have also been received from candidate who had appeared in paper first of the CGL Tier 2 examination 2017 at Nirman Infotech Chandigarh. तो चंडीगढ़ में जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी दिया है, और वहां पर जो एग्जाम था शॉर्ट सर्किट और कंप्यूटर और लैब में, उसकी वजह से वो एग्जाम नहीं हो पाया था, है ना, तो उस एग्जाम को भी इनको कंडक्ट कराना है। और लास्ट में इन्होंने आगे दिया है वो भी मैं बता देता हूँ। द कमीशन आफ्टर टेकिंग ए कंसीडर्ड व्यू इन द अफोरसेड मैटर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द बोना फाइड कैंडिडेट्स हैज डिसाइडेड टू अलाउ द अफेक्टेड 318 कैंडिडेट्स ऑफ एनिमेट इन्फोटेक, मतलब 318 स्टूडेंट जो है वो एनिमेट इन्फोटेक मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट न्यू दिल्ली एंड 156 इफेक्टिव कैंडिडेट ऑफ निर्मन इन्फोटेक चंडीगढ़ टू रीअपियर इन पेपर सेकेंड एंड पेपर फर्स्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब जिन जिन स्टूडेंट 318 तो एनिमेट इन्फोटेक के स्टूडेंट हैं और 156 इफेक्टिव स्टूडेंट्स हैं निर्मन इन्फोटेक चंडीगढ़ के, तो उनको सबको 9 मार्च को एग्जाम उनका कंडक्ट कराना है। इट मे बी नोटेड दैट द रिगार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ इन्फोटेक, तो वो ये सब दिया है, ठीक है। और बाकी जो भी इसमें सस्पिशियस है उनके खिलाफ, जो भी इसमें घोलमाल हुआ है उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, ठीक है, और उसकी जांच की जानी बाकी है। बाकी जो प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें नहीं दी गई है, बाकी क्या किया जाना है वो इसमें अभी नहीं दिया है। केवल एक यही है कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसी के बारे में इन्होंने न्यू डेट जो रिलीज़ की है तो उसी के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो SSC की तरफ से या और कोई भी प्रोटेस्ट की तरफ से कोई भी नेक्स्ट अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।